400 पार, अब की बार 400 पार। योगी आदित्यनाथ जी के आने से और प्रचंड महोत्सव से अब हम जीतेंगे। हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली लोकसभा इस दिल्ली की प्रचंड महोत्सव से जीतेंगे। इस बार 400 पार होना है और हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदू राष्ट्र का घोषणा होना है इस बार। और योगी और मोदी का कोई नहीं है, 140 करोड़ जनता है, समझे, उनका परिवार है। योगी और मोदी कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई देव पुरुष हैं जो भेजे हुए हैं। हमारे 70 सालों बाद आज हमको महसूस हो रहा है कि हम आजाद हैं। विशाल हृदय सम्राट कहे जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज यहाँ दौरा हुआ, उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें ये तादाद की सैकड़ों की संख्या है सिर्फ योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए आई थी। वहाँ पे तमाम कार्यकर्ता बार बार योगी आदित्यनाथ की जिंदाबाद, जय श्री राम के नारे लगाए हैं। जय श्री राम। इनके आने से हमारे वोट 100% सिक्योर हो गया। कितना साल बनेगा? बहुत ज्यादा, 200%। अब की बार 200 पार, अब की बार 400 पार, मोदी सरकार। क्या कितना प्रेम है योगी जी से, क्योंकि योगी जी आए हैं, कितना आशा? बहुत बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। अरे बाबा जी आए हैं हमारे साथ बातचीत के लिए जी, क्या नाम है आपका? विवेक चौहान। विवेक चौहान जी, बात करें आज योगी आदित्यनाथ जी यहाँ दौरे पर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी के? योगी आदित्यनाथ जी के आने से और प्रचंड महोत्सव से अब हम जीतेंगे। हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली लोकसभा इस दिल्ली की प्रचंड महोत्सव से जीतेंगे अब ये आदित्यनाथ योगी जी के आने से। और बात करें योगी आदित्यनाथ से, कितना प्रेम रखते हैं, कितना स्नेह? अत्यंत प्रेम है उनसे, अधिक हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट है। आज उन्हीं का ये हमने पोशाक धारण करी, उन्हीं सिर्फ उन्हीं के लिए, बाबा के स्वागत के लिए इन्होंने पोशाक धारण किया है, हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ जी के। हम लोग सेवा में यहाँ आए हैं और उसी लिए पोशाक धारण किए चौहान साहब हमारे। घंटों से इंडिया के अरीब हम लोग भैया सुबह से लगे, हम कलकत्ता हैं, आगे सुबह से लगे हैं व्यवस्था में और सब भीड़ देख रहे हैं आप। इस बार 400 पार होना है और हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदू राष्ट्र का घोषणा होना है इस बार सभी को लेकर। बाबा हमारे हम देश को और प्रधानमंत्री जी को 400 पार की पूरी सौगात देते हैं, ताकि देश में जो उनकी इच्छा है, जो बदलाव लाने की उनकी जो मंशा है, वो सारी मंशा उनकी पूरी हो सके और देश को प्रगति की तरफ, जो उनका सपना है 2047 तक देश को ले जाने की, वो सपना पूरा हो। बाकी देशों के मुकाबले हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, जो मोदी जी का सपना, उसके लिए इस बार 400 पार के लिए पूरा सपोर्ट है और इस बार 400 पार होगा। हाजी साहब हमारे कुछ कहना चाहते हैं। हाजी साहब हाजी जी, क्या नाम है आपका? इरशाद अबुन राम है मेरा। अच्छा, आज योगी जी के समर्थन में आए, वो तो विशाल हिंदू सम्राट कहे जाते हैं। अरे यार, भारत है हमारा, है एक दुनिया में एक ऐसा लोता देश है जिसमें सारे समुदाय के आदमी सुकून से रहते हैं, ये देख लेना, समझे, मेरी बात सुन लेना। और योगी और मोदी का कोई नहीं है, 140 करोड़ जनता है, समझे, उनका परिवार है। योगी जी आए, कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले 25 मई की दिल्ली का? अरे जनसलाब था, 7 सीट भाजपा की झूली में है, 7 सीट। अच्छा, 400 पार कर रहे हैं आपके। योगी जी को लेकर कितना प्रेम है और कितनी आस्था है योगी जी को लेकर? भाई सुनो, देखा नहीं आपने भाई, देखो जनसलाब आदमी था, कई लाख आदमी था योगी को देखने, उनसे प्यार करता है, उनके मान भाव से प्यार करता है, समझे, आप देख नहीं रहे जिस तरीके से, आप देख सकते हैं योगी जी के लिए यहाँ समर्थन में जितने सैकड़ों की तादाद में लोग आए थे, मैं पीछे देख सकता हूँ योगी जी का भी रूप धारण करके यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, किस तरीके बच्चे भी यहाँ पे योगी जी का रूप धारण करे हुए हैं, सिर्फ योगी जी के स्वागत में, योगी जी के प्रेम में, योगी जी के समर्थन में। बात करेंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या नाम है बेटा? अच्छा बेटा, किस लिए आए थे यहाँ पे? योगी जी के लिए। पापा के साथ। पापा के साथ आए थे? बाबा के लिए आए थे, बाबा से मिलने। बाबा योगी के से। आप भी योगी से मिलने आए थे? बोलो बोलो, बाबा से मिलने आए थे? राम लक्ष्मण की जोड़ी से मिलने आए थे? राम लक्ष्मण से, बाबा से मिलने आए। बाबा, देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने योगी जी का एक छोटा सा गेटअप बना रखा है और वो साक्षात यहाँ पे योगी जी से, बाबा से मिलने आए थे, ऐसा उनके परिवार वालों का भी कहना है। जी क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता। अच्छा, आज योगी जी यहाँ पे मौजूद रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में, की योगी जी का स्वभाव कैसा और कितना आपका समर्थन है योगी जी को? योगी जी का स्वभाव बहुत ही हाँ देव पुरुष हैं, जैसे उन्होंने योग क्या यूपी सुधारा है, मैं चाहती हूँ दिल्ली सुधार दें ऐसे वो।
रिकॉर्ड करना है कुछ सेकंड। क्या लगता है योगी जी आए हैं यहाँ पे पूर्वी दिल्ली में, क्या माहौल बदलेगा दिल्ली का? दिल्ली का माहौल बदल गया है पूर्वी दिल्ली से, लगभग 3 लाख से अधिक मतों से हर्ष मल्होत्रा जीतेंगे। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपको गलत फहमी होगी, योगी और मोदी कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई देव पुरुष हैं जो भेजे हुए हैं। आपने भी देखा होगा आरती हम किसकी करते हैं घर में सुबह शाम, भगवानों की। योगी अगर मोदी जी अमेरिका जाते हैं वहाँ आरती करती है बहनें, बनारस जाते हैं वहाँ आरती होती है। और सबसे बड़ी बात, दो भाई आपस में लड़ रहे हो, कोई छुड़ाता तो कहता अपने घर बैठा रहे। यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, मोदी ने कहा 2 घंटे कोई बम नहीं बरसाएगा, वो चुप हो गए दोनों देश, हमारे बच्चे वापस आए। और उससे बड़ी बात, जो एक गंदा देश है हमें गाली निकालता है पाकिस्तान, उसके बच्चे भी हमारा तिरंगा लेकर वहाँ से निकल के आए। ये खाली योगी और मोदी कर सकते हैं। और जो अभी योगी बाबा आए हैं, योगी ये दोनों अपने लिए नहीं सोच रहे, इनका परिवार देखा, इनकी माता एक कमरे में रहती थी। योगी जी की बहन, मैं भी उत्तराखंड से आया हूँ, योगी जी की बहन आज भी नीलकंठ धाम में चौमिन और चाय का ठेला लगाती है। वो अभी जिस बिल्डर को कह देगी वो मकान दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरा कोई मोह नहीं है। और आज ये दोनों देव पुरुष हमें मिले हैं, ये हमारे देश का सौभाग्य है। आप एक जो व्यक्ति हैं जो सिर्फ देश का संचालन कर रहे हैं, उन्हें आप देवता का स्थान दे रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, क्या आस्था है आप लोगों की? नहीं, आस्था आप देख लो, राम मंदिर, भगवान राम, मैं 2 साल पहले अयोध्या जी गया, फटे हुए एक मिनट, यहाँ कितनी बड़ी कोठियाँ मयूर विहार में, मयूर विहार में कितनी बड़ी कोठियाँ हैं। और हम सुबह निकलते हैं, राम राम, फोन करते ना, राम राम भाई क्या हाल है, अपने भगवान से तो मांगते मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी को अच्छा वर मिल जाए। और जिस राम से मांगते हैं वो भगवान राम टेंट में रह रहे थे, तो उसको कौन लाया महलों में, कौन लाए, मोदी और योगी। खाली मंदिर थोड़ी बनाया, वहाँ महल। और आपने देखा होगा जिस दिन 22 जनवरी का उद्घाटन हुआ, उस दिन वहाँ पर लगातार, वहाँ पर आपने देखा होगा सबके आंसू निकल रहे थे, साध्वी दीदी हमारी, जितने भी लोग पहुँचे थे, तो वो भगवान। और मैं मोदी से 4 बार मिला हूँ, जब मैं मिला उनसे मैं आँख नहीं मिला सका, मेरी फोटो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो एक देव पुरुष है, उनके पास इतना हो रहा है और इतने बड़े काम कोई नहीं कर सकता। आज अभी अफ्रीका, एक मिनट भाई साहब, अभी अफ्रीका गए थे हमारे मोदी जी, वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए, देखा नहीं देखा हमने, कोई प्रधानमंत्री पैर छुएगा? और पहले के प्रधानमंत्री को टाइम भी नहीं मिलता था मिलने का, आप बताओ ना। मैं नहीं कह रहा, आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप मेरठ से चले जाओ, हमारे उधर रुद्रपुर चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, हाईवे 2000 रुपये में पंतनगर में आम आदमी ट्रेन हवाई जहाज पे बैठ सकता है, पहले कहाँ बैठते थे, वंदे मातरम ट्रेन। मैं जिधर बात करूंगा, हमारे चारधाम आओ, सारी रोडें डबल हो गई हैं, चाहे आप किधर भी जाओ, बद्रीनाथ केदारनाथ जी जाओ, पिथौरागढ़ जाओ, तो ऐसे काम, शौचालय, लोग मजाक उड़ाते थे प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात करता है, बहनें और उनको अपनी इज्जत बचाने भारी होती थी, अगर लाइट जल जाती थी तो बहनें लोग खड़े हो जाते थे, खेत में शौच करने जाते थे। मोदी जी ने सबको शौचालय बना के दिए हैं, और जिस अधिकारी ने अगर वहाँ शौचालय पूरे नहीं किए उसकी नौकरी तक चली गई है। 4 करोड़ गरीबों को मकान बना के दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो ऐसा मोदी और योगी की जोड़ी हमें मिली है। और योगी के टाइम क्या हो रहा है, गुंडे घर बैठ गए हैं, बहनें हमारी स्कूटी पे कार पे रात को 1 बजे भी घूम लें, किसी बदमाश की ताकत नहीं कि वो छेड़ के दिखा दे उनको, अगर है तो बता दो मुझे, पहले भी तो जमाना था, पहले जब किसी बहन के साथ बदतमीजी होती थी या कोई सपा और बसपा की सरकार में एप्लीकेशन थानेदार उठा के फेंक देता था कि अपनी बहन बेटियां नहीं संभाली जाती, आज योगी ने ऐसा डंडा कर दिया, उनकी ताकत नहीं है, बदमाश कह रहे हैं मैं जेल में डाल दो नहीं तो योगी हमें बुलडोजर चला देगा। और कितने बड़े बदमाश निपटा दिए आपको पता है, मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और इतने काम हो रहे हैं, मैं गिनाने लगूंगा तो शायद ये रात भी कम पड़ जाएगी। ये मोदी और योगी, मैं फिर कह रहा हूँ, राम और लक्ष्मण की जोड़ी आई है, इसको संभाल के रखना है। और अगर हमने नहीं दिया, और ये झाड़ू वाले के, और सबसे बड़ी बात, सोनिया गांधी जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पर है, केजरीवाल जमानत पर है, आपका लालू यादव जमानत पर है, हेमंत सोरेन जमानत, ये तो जेल से छूटे हुए लोग हैं, ये मोदी का मुकाबला कहाँ से कर लेंगे? क्या लगता नहीं कि राहुल गांधी जी ने भी अभी एक जनसभा को, विशाल जनसभा को संबोधित किया, उसी के परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ने भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी? भाई साहब पहली बार भी विशाल जनसभाएं और थी, वो राहुल गांधी को देखने आते हैं कि सोने से क्या, वो आलू से सोना कौन बनाता है, ऐसी मशीन वाला आदमी कौन आया है, तो ऐसे देखने चले जाते हैं लोग। और वो अभी देखना हारेगा तुरंत इटली और थाईलैंड घूमने चला जाएगा, तो उसको तो देश की चिंता ही नहीं है। मोदी कहाँ जाता है मेरे को ये बताओ, ये बहन जी आई हैं हमारी या ये भाई साहब आए हैं, अभी ये घर जाएंगे, मोदी की ये रैली खत्म होनी थी 7 बजे, रैली खत्म हो रही 8 बजे, इनका बेटा, इनकी बहू या वाइफ, जो भी बच्चा होगा वो पूछेगा भाई साहब पानी लाऊं, चाय लाऊं, पिताजी दादाजी कुछ भी चाय रस्ते ना, मोदी जी को कौन पूछने वाला है?
मोदी जी को कौन पूछने वाला है? मोदी जो जाते हैं वहाँ नौकर जरूर होंगे, उनके यहाँ 100 नौकर होंगे मैं कह रहा हूँ, लेकिन कोई माता तो नहीं है, कोई बहन तो नहीं रह रही, कोई भाभी साथ नहीं रह रही ना जो उनका हाल चाल पूछे। इनका बेटा भी जाके पैर दबाएगा, सुनो हाँ, तो मोदी जी के पैर कौन दबाएगा? और मोदी जी सोचते हैं रात को कि पाकिस्तान को कैसे वो दिखाना है, मजा चखाना है, चाइना को कैसे रोकना है, हमारे बहनों को शौचालय कैसे मिलेगा, मेरे गरीबों को घर कैसे मिलेगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे अच्छी होगी, और हम सोचते हैं हमारी दुकान कैसे अच्छी चलेगी, हम इसी बारे में सोचते रहते हैं, और मोदी हमारे बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर देशभक्त के काम पे लग जाते हैं, ऐसे मोदी जी। अच्छा आप कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी जी के? यहाँ पे योगी जी आए तमाम, उन्होंने अपनी बात रखी। देश में विकास हो रहा है, जहाँ मर्जी देख लो, पहले जहाँ रहते थे 4 घंटे, अब लग रहा है 1 घंटा। आपने भी सुना भी देखा भी होगा, तो वही चीज़ में खुश हूँ उस चीज़ से। अब बात करें आप एक महिला है, योगी जी और मोदी जी जो महिलाओं के प्रति कितनी रिस्पेक्ट रखते हैं, और साथ ही साथ उनके लिए कितना काम किया उन्होंने? बहुत काम किया भैया, बाहर नहीं जाना पड़ता है, और महिला कभी भी कहीं भी जा सकती है, वो अपना घर में भी उसकी एक वो आसान है, नहीं तो पहले महिलाओं को इतना इज्जत कहाँ देते थे। ये आने से हमारे भी वो हमारे 70 सालों बाद आज हमको महसूस हो रहा है कि हम आज़ाद हैं। आपसे पहले कोई आज़ादी नहीं थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, योगी मोदी जब से आए हैं, ठीक है जी, जब से गांव से और हाईवे से गांव तक के रोड बिल्कुल क्लियर, कितने हाईवे बने, सबको राशन, सबको बीमा, 5 लाख का बीमा, ठीक है जी। आज योगी मोदी अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक ना, ये अवतार आदमी है, मैं इतना ही कहूँगा, ठीक ना। और योगी मोदी हैं तो देश है, ठीक है जी, और योगी मोदी अगर नहीं है, ठीक ना, तो देश खतरे में है। जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, ये देश विरोधी पार्टियां हैं, इन्होंने कोई देश के लिए काम नहीं किया आज तक। 70 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लिए, किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आज जय जयकार हुई है, आज हमारे हिंदुस्तान की पहचान हुई है, तो माननीय मोदी जी की वजह से जान पहचान हुई है, आज नंबर 3 पर हमारा देश आ चुका है, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि पूरा वर्ल्ड आज हमारी मोदी जी की पहचान, ठीक ना, मोदी जी के चरण छूते हैं, ठीक है जी। यह है हमारे हिंदुस्तान की पहचान, यह है ताकत हमारे मोदी जी की, यह ताकत जिसे आपने यहाँ पे योगी जी के समर्थन में जो जनसैलाब देखा, लोगों ने योगी और मोदी की जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी बता दिया, कहा देव तुल्य लोग हैं, इन्हें हमें संभाल के रखना है। साथ ही साथ एक कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि 70 साल के बाद ऐसा लगा है कि आज़ादी आई है, कि आज ऐसा राज है कि हम सब चीज़ कर सकते हैं। बाकी इन तमाम मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में योगी और मोदी जी देव तुल्य हैं, भारत के लिए राम लक्ष्मण की जोड़ी बन के आए हैं? अपनी राय जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं संजीव, दिल्ली।